Hello friends, myself Swati Gupta from Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. Today I will discuss about the spamming. सबसे पहले spamming होती क्या है? Spamming का मतलब ये कि जब भी कोई person या कोई भी company किसी भी another person को unwanted mail send करती है, तो वो spamming कर रही है. Spamming का मतलब ये नहीं कि हम किसी को कोई एक mail send कर रहे हैं, तो वो spamming है. Spamming का मतलब ये कि जब भी हम किसी another person को same time पर सेम एड्रेसेस पर रिपीटेडली नॉन स्टॉप मैसेजेस करते हैं, तो वो स्पैमिंग होती है. अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी किसी अनादर पर्सन को अनवांटेड मेल सेंड कर रही है, तो इसका मतलब वो स्पैम कर रही है. अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप की, तो अगर हम सेम नंबर पर बार बार एक ही मैसेज इसको सपोज ऑडियो वीडियो और मैसेजेस को सेंड करें, इसका मतलब ये है कि हम उसे स्पैम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज दी हिस्ट्री. कुछ लोगों का मानना यह है कि जो स्पैम वर्ड है वो मोंटी पाइथन के एक सॉन्ग स्पैम स्पैम से आया था, लेकिन जनरली जो स्पैम है वो 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो पर्सन जिन्होंने सबसे पहले स्पैम को इंट्रोड्यूस किया था वो थे गायरी थे. स्पैम का मैसर यूज 1994 में होने लगा था. देन नेक्स्ट इज दी स्पैम ईमेल्स. स्पैम ईमेल्स में ये होता है जनरली कि जो हम ईमेल सेंड करते हैं वो विदाउट रिक्वेस्ट और विदाउट कंसेंट करते हैं, बट जो हम ईमेल एड्रेसेस का यूज़ करते हैं वो कई हैकर्स के द्वारा चोरी भी कर लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, उन वेबसाइट्स के यूज़ करने पर हम उसमें अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें हमें अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट पर हमें कुछ भी खरीदने के लिए हमें अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना होता है. अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिस पर हम अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करते हैं, और वो वेबसाइट्स हमारे लिए सेफ नहीं होती है और हैकर्स के द्वारा हैक कर ली जाती है, जिससे कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं, और चोरी करने के बाद में उन इन्फॉर्मेशन को वो स्पैमर्स या ईमेल सॉलिकेटर्स को बेच देते हैं. अब जो ईमेल सॉलिकेटर्स और स्पैमर्स होते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को खरीदने के बाद में सबसे पहले सारी वेबसाइट्स को स्कैन करते हैं. स्कैन करने के बाद में वो ईमेल एड्रेस की एक लिस्ट बनाते हैं और उसे वेबसाइट डेटा में फिट करते हैं, और वो वेबसाइट्स को स्कैन करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ करते हैं. अब जो भी स्पैमर्स स्पैम करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के लिए लिस्ट इन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्पैम. सबसे पहले आता है इसमें ईमेल स्पैम. जनरली देखा जाए तो हम स्पैमिंग जो होती है वो जनरली ईमेल्स में ही होती है. ईमेल्स में हम स्पैमिंग करने के लिए अनसॉलिसिटेड मैसेजेस का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पर्सन अगर किसी अनादर पर्सन को अनसॉलिसिटेड मैसेजेस सेंड कर रहा है, इसका मतलब वो स्पैम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जिससे हम बहुत फैमिलियर होते हैं, बट कई बार हम उसके फिशिंग का शिकार हो जाते हैं. जैसे कि जो वेबसाइट्स हमने देखी है कि हाँ हम इसे जानते हैं, बट वो जो वेबसाइट्स होती है वो फेक होती है, और उसकी वजह से हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो चोरी हो जाती है. देन नेक्स्ट इज दी इमेज स्पैम. इमेज स्पैम में जनरली होता ये है कि ये भी एक स्पैमिंग टेक्निक होती है, और इसमें मैसेजेस सेंड करने के लिए इमेज का यूज़ किया जाता है. इसका मतलब ये है कि जो भी मैसेजेस हम सेंड कर रहे हैं वो इमेज के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज दी एसएमएस स्पैम. एसएमएस स्पैम जो है वो जनरली स्पैमिंग का एक टाइप है. इसमें मैसेजेस सेंड करने के लिए जनरली मोबाइल फोन्स का यूज़ किया जाता है. इट मीन्स दैट कि सेल फोन्स का यूज़ करके हम किसी को अनसॉलिसिटेड और जंक मेल सेंड करते हैं. देन नेक्स्ट इज दी पनिशमेंट. कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी अगर स्पैमिंग करती है, तो उसे सेक्शन 66 के तहत, सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है. अगर कोई भी पर्सन किसी को भी ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड करता है या मिसकम्युनिकेशन करता है मेल्स के थ्रू, तो उसे सेक्शन 66 के तहत पनिशमेंट दी जाती है. देन नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ द स्पैम. अब स्पैम के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले यह होता है कि जो हमारा इनबॉक्स है वो बहुत सारे अनसॉलिसिटेड मैसेज से फिल हो जाता है. इसके अलावा नेक्स्ट है कि हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, और हम बहुत सारी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मेल्स अगर हमारे इनबॉक्स में आ जाते हैं, और वेबसाइट्स का यूज़ करने की वजह से हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी चोरी हो जाती है. अब स्पैम से कैसे बचा जाए, मतलब कि प्रिवेंटिंग ऑफ स्पैम. अब सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले अपडेटेड और ट्रस्टवर्दी एंटीवायरस प्रोग्राम का ही यूज़ करना है,
और एक बात का ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमें किसी भी पर्सनल डिटेल्स को, फॉर एग्जांपल हमें ईमेल एड्रेस या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को किसी को भी शेयर नहीं करना है। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि कई बार ऐसे ईमेल्स होते हैं जो कि सस्पेक्टेड होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ईमेल्स को हमें इमिजिएटली डिलीट कर देना चाहिए। ऐसे ईमेल्स पर हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। कोई भी मैसेज मैसेंजर चैट्स या कोई भी न्यूज़ लेटर्स होते हैं जिसपे हमें हमारा ईमेल एड्रेस को मेंशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि फेक होती है, इस पर हमें अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करने से बचना चाहिए। थैंक यू।